Assalamualaikum, welcome back to another reaction video. Today we are gonna be listening to Blindfold by Johnny from the album Guns and Roses. और ये भाई साहब 3 घंटे पहले आया गाना और ये सेकेंड ट्रैक है EP का, प्रोड्यूस बाय उमेर और मिक्सड एंड मास्टर्ड बाय उमेर, रिटन एंड परफॉर्म बाय जानी. ओके सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स हियर द सॉन्ग. और हाँ यार, वो जो दूरियां गाने की क्या नाम था, वो डीनो जेम्स के, उसकी रिएक्शन वीडियो फाइनली आ गई है. वो पहले ब्लॉक हुई थी लेकिन अब हो गई है वो. तो इफ़ यू वाना सी हाउ आई रिएक्टेड ऑन इट, गो एंड वॉच इट. हियर वी गो, लेट्स लिसन टू दिस मास्टरपीस ब्लाइंडफोल्ड. सब मेरे गुस्से से तंग है पर कोई नहीं पूछता हाल मेरा. कोई भी नहीं पूछता कि यार तुम ऐसे क्यों हो, क्यों तुम ऐसे हो गए हो, क्या बात है, क्या हुआ. नो वन रियली आस्क मी दैट. नहीं उठाता मैं फोन किसी का. माँ बात सुना है मेरा तो वक्त पर घर नहीं आता. हैवी एंजाइटी पैनिक अटैक्स में जगह से हिल नहीं पाता. बस जबानी और कोई एक मर्तबानी लगन कुछ इस तरह की के कर दूं इंतहा भी. आहा, लगन कुछ इस तरह की कि कर दूं इंतहा भी, कि जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए अगर मुझे अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ा तो आई विल डू इट. और वो कहने का मतलब ये है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके रहूंगा. ओके ईंट से ईंट बजा दी. वो कहते हैं एक तरह का नाम बनाना है शोर एक हिसाब से, और भीड़ की भीड़ बना दिया है अगर फैंस नाउ. किस मुंह से मांगू मैं मदद, दुनिया एहसान जताती है. और ये सच है, कोई भी कितना भी जैसा भी है ना, लोग एहसान जता जाते हैं. कोई भी कितना भी करीबी हो ना, बातों बातों में जता जाते हैं लोग ब्रो, बातों बातों में बहुत जता जाते हैं. किस मुंह से मांगू मैं मदद, ये दुनिया हद जताती है. क्या मेरी कोशिश अब सही में किसी काम नहीं आती, या मुझे सुबह का सवेरा बोलकर किसी ने शाम दिखा दी. फैक्ट्स मुझे मैं कर नहीं मदद मारी ये खामखा की, सब कलम उस मालिक का भेजे वो हुनर ये आसमानी. फैक्ट्स आए हाय हाय, क्या करूं, ये हुनर जो है वो खुदा का भेजा है आसमानी. यानी कि ये मैं अब आके नहीं, ये मेरे पास शुरू में है, ये मुझे खुदा ने दिया. शाम दिखा दी. एहसास के जहन ताबूत हुए 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 यार समझो सिर्फ वो कितनी स्पीड में वो लफ्ज बोल गए, लेकिन उसके मतलब समझने वाला है. एहसास के जहन ताबूद, यानी कि वो जो लोग, वो जहन जो पहले एहसास करते थे ना, जो कभी किसी का ख्याल करते थे, जो सोचते थे कि यार कुछ होगा तो नहीं, मैं कुछ कह दूंगा तो इसे बुरा तो नहीं लगेगा, या मेरे ये करने से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, मेरे वो करने, अब वो लोग मर चुके हैं, अब वो जहन मर चुके हैं, अब किसी को नहीं पड़ी किसी की. एवरी वन थिंक्स अबाउट देमसेल्व्स ओनली, देमसेल्व्स एंड देमसेल्व्स ओनली. सेल्फिश पीपल ब्रो, अ लॉट ऑफ सेल्फिश लाइक मी. इफ यू हील अप ऑन सम बीट. ओके स्टूड ऑन एवरी थिंग, बना नहीं मैं किसी का प्यादा. आई डू एवरी थिंग बट आई डू, यानी कि मैं अपना खुद के दम पे हूँ, खुद के दम पे बनाऊँ, खुद पे दम पे रहूँगा. मैं किसी का प्यादा नहीं, किसी का बनाया हुआ नहीं. स्टूडेंट
everything I said banani kisi ka pyada in sab ke shikwe ginta hu par iradon mein pukhta hu ye kya mitayenge mujhe logo ke dil mein zinda hu ye kya mitayenge mujhe main logon ke dilon mein zinda hu legend never die they become a part of us ye agar kisi ne gana suna hua hai to you will know better meaning तो वही बात कि मैं लेजेंड मैं लोगों के दिलों में ज़िंदा रहूँगा तुम मुझे कैसे मार पाओगे कैसे मार सकते हो लोगों के किस किस के दिल में जाके मारोगे मैं क्यों खर्च करूँ सफ़े ओके 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 मैं क्यों खर्च करूं सफ़े मैं तुमको लंबर लिखता हूं और क्या चल रहा है एडलिब्स में कुछ तो पीछे बोला जा रहा है एडलिब्स में जानी तो कितने घर पले लो गया शहर तब आप दिखे बस मत पड़े मिडिल फिंगर्स टू द गवर्नमेंट कौन कैसा रिसेंट एक्टिविटीज मेरा शहर पड़ा मेरा शहर जला तो कितने घर पले रकबा है शहर का ज्यादा पर उससे ज्यादा तो कबर ब्रो इफ यू नो पाकिस्तान की रिसेंटली 70% पाकिस्तान अंडर द वाटर है यानी कि फ्लड की वजह से जिसमें से कराची सिंध वाली साइड सिंध बलूचिस्तान वाली साइड बहुत ज़्यादा और कौन कैसा है सब खबर है रकबा है शहर का ज्यादा और घरों से ज्यादा है कबर है ब्रो तो कब मैं फ्लॉप पे हूं अगर गाने के नाम पर सोच बेचूं और दुश्मन के अक्स में दोस्त देखूं अजीत के बाद ये होता है एक आर्टिस्ट ब्रो ये होता है एक आर्टिस्ट This is the thing what makes you an artist and a good person कि तुम मानते हो ये नहीं कि तुम कहते हो कि नहीं मेरा हर चीज़ जो मैं करता हूँ सही है हर एक गाना मेरा हिट था ये वो ही खुद मान है यार वो खुद मान है जानी कि मैं कई गाने हिट फेंकूँ और कई फ्लॉप फेंकूँ That is what make you a good artist, bro. हर दुश्मन के एक्स में दोस्त देखूं वो कहते हैं तो सियाने कहते हैं कि सियाने means brilliant people. हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि एक जोन सा है ना तुम्हारा दोस्त जो कि मुनाफिक हो उससे अच्छा खुले मैदान का दुश्मन है जो कि पीठ पीछे वार नहीं करेगा हमेशा जो दुश्मन होते हैं ना नस्ली दुश्मन सामने से वार करते हैं जो होते हैं ना बगैरत लोग वो पीठ पीछे वार करते हैं पीठ पीछे गल्लां ते बगैरत कर देने असी तेरे मुंह ते आके बोलांगे जो बोलांगे अजीत के बाद भी लॉस में वजूद ही नहीं है तेरा कोई नहीं देखने मुझे दोगले ओ ब्रो दैट्स वन काइंड ऑफ फ्लेक्स और एक तरह की बेइज्जती भी है शबाशी का शोर बहुत मैं सुनी ना पाऊँ ये चूँच हैं ये जो बोलते हैं मेरे बारे में बुरा जी लेकिन कहने वाली बात ये कि ये है कि उन लोगों से बचो जो तुम्हें तुम्हारे अंदर वो अच्छाइयाँ बताते हैं जो मौजूद ही नहीं है उनसे बचो ये एक सीखने वाली बात है ज़रा गौर करना उनसे बचो जो वो बताते हैं चीज़ें जो तुम में मौजूद ही नहीं है जो हैं ही नहीं है अच्छाइयाँ लेकिन उनको कभी ना अधूरा छोड़ना जो कि तुम्हें तुम्हारी खामियाँ बताते हैं खामियाँ बताने वाले सो कॉल्ड हेटर्स वो तुम्हारी लाइफ में वो भी अच्छे हैं क्योंकि वो तुम्हें बताते हैं कि तुम किस चीज़ में गलत हो लोग कहते हैं कि यार वो बुरे अल्फाज ये वो लेकिन तुम खुद को बेहतर भी तो कर सकते हो ना ये तो ना कहो कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना ये मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना मेक योर सेल्फ दैट गुड
कि अगर कोई बात करे तो कोई पॉइंट वाली बात ही कर सके, फजूल की बात ना कोई तुम्हें कर दे। शबाशी का शोर बहुत, मैं सुनी ना पाऊं ये चूं चैन, लगती है बद्दुआ मुझे जब भी कोई कहता है बनना है बाप सा, मेरी एक अलग लगती है बद्दुआ मुझे जब कहता है कोई के बनना है बाप सा। भाई मुझे जब भी कोई कहता है बनना है बाप सा, मेरी एक अलग ही ज़हनियत, मेरा एक अलग मिजाज था, ग्रैब के पर्दे हटे तो पता लगे कौन किस हिसाब का, फिलहाल तो सब तकलीफ में, फर्क क्या पड़े कौन किस किताब का, क्या बाकी फैक्ट्स, अभी तो सभी तकलीफ में है, कोई भी है तुम मुझे किसी की तरह भी बनना चाहते हो, किसी की तरह भी किसी की भी बात करते हो तुम, सभी इस वक्त तकलीफ में, किसी की भी बात ना करो, छोड़ो यार। तकलीफ में, फर्क क्या पड़े कौन किस किताब का, क्या बाकी रकीब थे मेरे वो या बस वो एक गुमान सा, क्या क्या बाकी रकीब थे वो मेरे, क्या वो मेरे दोस्त थे, क्या वो बाकी जो उनसे थे वो मेरे साथी थे, या सिर्फ ये मेरा एक गुमान या फर्क क्या ख्याल पड़े ही कौन है। किस किताब का, क्या बाकी रकीब थे दुश्मन मेरे थे वो सारे या बस मादर वो एक गुमान फाकर्स, सा, क्या मेरा हुनर ही मेरे अपनों की असल तबाही का सामान था, पीछे क्या लौटना है अभी भी कई दफा मैं खुद को डांटता, सफर में हूँ मिलूंगा हशर में कभी, अब इंतजार रहा ब्रो, लास्ट मेरा लाइंस हुनर ही मेरे अपनों की असल तबाही का सामान था, क्या, पीछे नहीं हटना है अभी भी कई। ये पता है वो क्या बात कर रहा है जानी, अगर तुम्हें किसी को समझ नहीं आई तो मैं बता दूंगा, पर एक बारी दोबारा से ये सुनो। क्या मेरा हुनर ही मेरे अपनों की असल तबाही का सामान था, पीछे नहीं हटना है अभी भी कई दफा मैं खुद को डांटता, सफर में हूँ मिलूंगा हशर में कभी, अब इंतजार रहा। अब समझो, ही इज ट्राइंग टू से कि लोग कहते हैं ना कि ये मौसीकी हराम है ये वो, तो वही वो बात कर रहा है कि मैं हशर में मिलूंगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपनों की बर्बादी का खुद ही सामान बनाऊँ, क्योंकि वो मैं करता हूँ ये काम, अब कह लो कि ये मैं बना रहा हूँ वीडियो, आज देखेंगे अगर मेरे घर वाले, कल देखेंगे, एट सम पॉइंट वो देखेंगे तो सही ना कि हमारा बेटा हमारा भाई क्या कर रहा है, तो क्या मैं उनकी बर्बादी का सामान बन रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को फिर भी कहता हूँ यार कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं तो करते हैं, हशर में देखेंगे। कई ओए दफा मैं खुद को डांटता, सफर में हूँ मिलूंगा हशर में कभी, अब इंतजार रहा। हशर का अब इंतजार रहा, क्यामत के दिन का इंतजार, द डे ऑफ जजमेंट। नाइस वन नाइस वन नाइस वन, पहले वाला गाना भी यार अच्छा था ईपी का, और ये वाला भी अच्छा है, अच्छा है। और बात रही उमेर की बीट की, तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा ऐसा क्या करता है कि ये ऐसे की बीट्स बना लेता, माइंड ब्लोइंग ब्रो, माइंड ब्लोइंग। इज दैट वाज अ स्टिल फ्रेम और नॉट, आई डोंट नो, ये मैंने इसलिए किया था ताकि थंबनेल लगा सकूं। तो यार ये था मेरा रिएक्शन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम लोगों को कैसा लगा, द बीट वाज गुड, द लिरिक्स वर, तुम लोगों ने देख लिया 13 मिनट की वीडियो अभी तक ऐसी नहीं बन गई, जो कि अभी मेरे ख्याल से 14 मिनट की हो जाएगी या 13.5 की। तो ये था मेरा रिएक्शन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम लोग को कैसा लगा, और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट किस सॉन्ग पे, किसके सॉन्ग पे रिएक्शन करूँगी, किस आर्टिस्ट पे, आई विल मेक श्योर टू डू इट, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, मेक श्योर टू लिसन इट बाय योर सेल्फ फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।